हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत अच्छी खबर आ रही है रेलवे जेई की तरफ से। फाइनली एक और जोन की पैनलिस्ट जारी कर दी गई है। अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 350 प्लस कैंडिडेट्स का नाम इस पैनलिस्ट में शामिल है। कहीं इस पैनलिस्ट में आपका भी नाम तो शामिल नहीं है? दोस्तों, उसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। अपन चलते हैं आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और चेक करते हैं क्या दिया है टर्म एंड कंडीशन और कौन से बुलेटिन पॉइंट्स दे रखे हैं उस नोटिफिकेशन में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन। बातें बहुत हो गई, अब फटाफट चलते हैं आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था आरआरबी भोपाल जोन की। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने ये आरआरबी भोपाल गूगल पे टाइप कर रखा है और जो फर्स्ट वाला है आपको इसी पर क्लिक करना है। ये अपन क्लिक कर लेते हैं इस पर और मैं बताता हूँ आपको आप इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है आपको और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 31/1/2020 की इसमें लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे दो नोटिफिकेशन आए हैं। सबसे पहले क्लिक हेयर टू फाइनल पैनल, ये फाइनल पैनल है। मैंने इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा मात्र 1-2 सीट अलॉटमेंट होना बाकी है इसमें, फिर पूरे के पूरे जो कैटेगरी वाइज है वो भरा चुके हैं। आगे देखते हैं अपन 03 जो अपना एडवर्टीजमेंट था, जूनियर इंजीनियर केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट एंड डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, एक ये आया फाइनल पैनल। और सेकेंड है क्लिक हेयर टू कट ऑफ मार्क्स। तो अपन सबसे पहले ये ऊपर वाला डाउनलोड कर लेते हैं, इसमें क्या टर्म एंड कंडीशन दे रखे हैं वो पढ़ेंगे और मैं आपको बता दूंगा। इसमें ये अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। ये देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर आप किसी भी नोटिफिकेशन को देखिए दोस्तों, ऊपर उनके जो ये नोटिफिकेशन फेक है या रियल है आप यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर चेक कीजिए। इसीलिए मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ये ज़रूर बताता हूँ। अब फर्स्ट पॉइंट अपना, द लिस्ट ऑफ 614 कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 614 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वॉज पब्लिश ऑन द वेबसाइट 29 नवंबर 2019 को 614 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए थे। सेकंड उसमें लिखा हुआ है, अमंग द कैंडिडेट्स हु वर प्रेजेंट एंड फाउंड सुटेबल फॉर द डीवी एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर ऑप्टिमम पोस्ट 31 कैंडिडेट्स आर बीइंग प्रोविजनली रिकमेंडेड फॉर द चीफ पर्सनल ऑफिसर। 614 में से मात्र आप देख सकते हैं 381 स्टूडेंट ऐसे हैं जो डीवी के बाद मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट पाए गए हैं और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। थर्ड में, द कैंडिडेचर ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड टेम्पररी अनफिट इन मेडिकल आर केप्ट पेंडिंग। अब आप समझ सकते हैं 614 में से मात्र 381 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आगे अपनी जो है जर्नी वो कंटिन्यू करेंगे एज ए जेई पर, बाकी के कैंडिडेट्स आप समझ सकते हैं उनको पेंडिंग में रखा गया है। पेंडिंग यानी वेटिंग लिस्ट में, उनको भी मौका मिलेगा। अब मौका कब देते हैं आरआरबी भोपाल वाले वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिर फोर्थ में, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी इशू बाय द अथॉरिटी ऑफिसर ऑफ द कंसर्न जोनल पैनल एज रूल बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। आप सभी को पता है कि अब आरआरबी का काम फिनिश हो चुका है, अब वर्क जो बचा है वो है आपकी जोन का। जैसे ही आपके जो डिवीजन है, जो स्टेशन आपको अलॉट होगा जहाँ पर भी आपकी ट्रेनिंग होगी, वहाँ से आपके घर पर ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। अगर नहीं हो पाता है तो आपके पास ई कॉल लेटर आएगा। अब आगे फिफ्थ पॉइंट में लिखा है, कैंडिडेचर ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर इन द फाइनल पैनल इज प्रोविजनली। दोस्तों इसमें अभी भी लिखा हुआ है कि ये जो पैनल आया हुआ है ये प्रोविजनल है, हो सकता है इसमें कुछ भी थोड़े से ऐसा लगे उनको कि इसमें गलती है। जैसे मैं अगर आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आरआरबी बिलासपुर में दो कैंडिडेट्स ऐसे थे जो गलती से उनका नाम उसमें आ गया था, तो आरआरबी बिलासपुर ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट डाला था और उन दोनों कैंडिडेट्स का नाम उस पैनलिस्ट से हटा दिया गया था। तो हो सकता है कि इसमें भी ऐसे कोई ना कोई चांसेस बने और अगर गलती पाई जाती है तो वो पैनल में से आपका जिन भी कैंडिडेट्स का 381 में से अगर कैंडिडेट्स लगता है कि गलत है या मिस्टेकली आ गए हैं और ये मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा है तो उस पद से आपको हटा दिया जाएगा, इस पैनल से आपको हटा दिया जाएगा। सिक्स्थ में, वाइल एवरी बैन, आपको मैंने बताया ये सिक्स पॉइंट में भी फिफ्थ और सिक्स पॉइंट पूरा का पूरा रिलेवेंट है एक दूसरे से। सेवन्थ में लिखा है कि इम्पॉर्टेंट, एक अनाउंसमेंट करता है रेलवे की, जो भी आपको झूठे वादे करता है, झूठे दिलासा देते हैं कि नहीं हम आपको जॉब दिला देंगे, आप हमें एक्स वाई जेड अमाउंट दे दीजिए, हम पूरे आपके रेलवे में जॉब लगा देंगे और टॉन्ट मारते, उनसे बचे। और अगर आप बार बार आपको कॉल कर रहे हैं तो आप गूगल पे रेलवे हेल्पलाइन नंबर टाइप करें, जैसे ही वो आपको नंबर मिलेगा तो आप उनसे
कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रेलवे इसके लिए स्ट्रिक्ट डिसीजन लेगा, इनिशिएटिव लेगा और जो भी पर्सन और ही और शी जो कर रहे हैं गलत उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर 8th में, फॉर ईच ऑफ द नोटिफाइड पोस्ट द रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट फिगरिंग अ फाइनल पैनल आर अरेंज हॉरिजॉन्टली आर नॉट इन द, ये जो फाइनल पैनल है दोस्तों देखिए जब भी रेलवे ने यहाँ पर पूरा मेंशन कर दिया कि ये फाइनल पैनल है और जो हमने रोल नंबर यहाँ पर अरेंज किए हैं वो हॉरिजॉन्टली है, रेंडमली है, कोई रैंक वाइज नहीं है, तो इसलिए आप टेंशन ना ले। नहीं तो कैंडिडेट्स ऐसा रहता है कि वन नंबर डाला हुआ है, हो सकता है इस कैंडिडेट्स ने टॉप किया है, ऐसा सीनियरियो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। नीचे चलते हैं, नीचे दोस्तों देखिए एक नंबर पे लिखा हुआ है कैटेगरी नंबर 1 कैंडिडेट काउंट 2 और रेलवे यूनिट WCR वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी नंबर 1 में 2 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, कैटेगरी नंबर 2 में 6 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है और नीचे चलते हैं अपन कैटेगरी नंबर 3 में 48 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। और नीचे चलते हैं फिर देखते हैं कैटेगरी नंबर 3 में आप देख सकते हैं 26 कैंडिडेट्स का, वेस्टर्न रेलवे आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो गया। और फिर नीचे और देखते हैं कैटेगरी नंबर 12 में 2 कैंडिडेट्स का, दोस्तों ऐसे ही आप नीचे करते जाएंगे स्क्रॉल तो अप्रॉक्सीमेटली 381 कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन हुआ है। मैं वन बाय वन तो नहीं करके बताऊंगा कि इस कैटेगरी में इतने कैंडिडेट्स का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खींचा जाएगा। और नीचे चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एंड ऑफ द लिस्ट और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड 381 कैंडिडेट्स। दोस्तों आपका नाम अगर इस पैनल लिस्ट में है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी पूरी टीम की साइड से, मेरी तरफ से, आप मात्र एक पड़ाव दूर है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी से, जैसे ही आपके घर। अब दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि जैसे ही जो स्टेशन अलॉट होगा आपको, जो ट्रेनिंग सेंटर अलॉट होगा, जो भी जोनल, आपको वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा, डिस्पैच कर दिया जाएगा, आपके घर पर आएगा या हो सकता है ई कॉल लेटर आए, फिर उसके विद इन 1 मंथ या 15 डेज के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करना है और वहाँ पर आपके पूरे जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके वापस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग करनी है विद इन 1 वीक। दोस्तों इसी के साथ साथ अगर कोई और लेटेस्ट अपडेट आती है तो एज सून एज पॉसिबल मैं उसे वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ आपके कोई डाउट्स एंड कुछ क्यूरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना खुद का ध्यान रखें, मेहनत करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।